मोमिन, ये तुम रख लो। मेरे पास तो घर में फरी का फोन है। ये फोन तुम्हारे बाबा के कहने पर रख लिया था, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। धनिया माँ, आप रखिए फोन, मैं ले लूंगा कोई मुनासिब सा फोन। बेटा, ये फोन तुम्हारे बाबा ने ला कर दिया था मुझे। तुम्हारे बाबा की इतनी मोहब्बत से लाई हुई चीज घर में बेमसरफ पड़ी रहे तो क्या फायदा। शुक्रिया अम्मा। बेटा, जिंदगी के सफर में चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन इस सफर को जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी तो रहना ही पड़ता है। बेफिक्र रहिए, आपके बेटे ने किर्चियां जोड़नी शुरू कर दी, इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, एक से एक आजमाइश से गुजरा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, तुम कोशिश करो कि तुम्हारी कहीं जॉब हो जाए। जी अम्मा, कोशिश तो कर दी है मैंने। जीते रहो अम्मा। वो वलीद की अम्मी ने कोई बात शुरू की दोबारा? नहीं बेटा, उसकी अम्मी ने तो कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, वलीद के रवैये से ऐसा लगता है कि वो अपने फैसले पर शर्मिंदा है। बहुत अच्छा है वलीद, सही और गलत की तमीज करने वाला। अम्मा, अगर वो लोग दोबारा बात करें तो मान जाइएगा। कोशिश तो मेरी भी यही है, लेकिन 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 क्या? फरी वलीद की बात सुनने को तैयार ही नहीं। फरी को भी तो बहुत तकलीफ हुई अम्मा, जैसे हम सबको हुई, लेकिन आप समझाइएगा, जरूर समझ जाएगी। से ज्यादा काबिल एतबार कोई नहीं होता जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो।